बनाने वाले हैं या रावा गुलाब जामुन आप जो भी बोलते हैं। तो चलिए हम बताते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमने 200 ग्राम सूजी लिया है, 400 ग्राम चीनी, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, ये इलायची पाउडर है 3 से 4, ये 1.5 कप दूध लिया है हमने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पैन को गरम कर लेते हैं पहले। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। हल्का सा सूजी को फ्राई करना है मीडियम गैस पे। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। इसका कच्चापन बस खत्म करने के लिए इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं हल्का सा। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये जो आधा कप दूध है उसको भी ऐड कर देंगे। मीडियम गैस पे इसको चलाना है। ये सूख गया है, अब इसको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा और चलाना है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, गैस बंद कर देते हैं। जब तक सूजी ठंडा हो रहा है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। ये 1.5 कप पानी हम डाल देते हैं इसमें। ये चीनी, इलायची पाउडर, चीनी को भूलने तक चलाते रहना है। चार से पांच मिनट तक हमको इसको उबालना है। चार से पांच मिनट इसको पका लिया है, चाशनी बन करके तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। हल्का ठंडा हो गया है सूजी, अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। 3 चम्मच घी डालेंगे हम इसमें। बिल्कुल चिकना आटा की तरह इसको गूंथ लिया है हमने। अब हम इसका बॉल बनाएंगे। अब हम इसका बॉल बना लेते हैं। थोड़ा सा हाथ में घी लगा लेते हैं पहले। इस तरह से सारे बॉल बना करके तैयार कर लेंगे। सारे गुलाब जामुन बॉल्स बना करके हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन तलने के लिए 500 ग्राम तेल लिया है हमने। गुलाब जामुन तलने के लिए पहले हम तेल को गर्म कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें बॉल्स डाल देते हैं। मीडियम गैस पर इसको बनाना है। हिल गया।
इस तरह से सारा गुलाब जामुन बना करके तैयार कर लेंगे हम। सारे गुलाब जामुन को तल लिया है हमने, अब हम इसको चाशनी में डुबाएंगे। चाशनी में डालने से पहले चाशनी को एक बार गर्म कर लेते हैं अच्छी तरह, फिर इसमें डालेंगे। गरम हो गया है, अब हम इसमें गुलाब जामुन डाल देंगे। सारे गुलाब जामुन को हमने इसमें डाल दिया है, 2 से 3 मिनट इसको उबलने देंगे, उसके बाद में आधा घंटे के लिए गैस को बंद कर देंगे। 2 से 3 मिनट इसको पका लिया है, अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको ढक करके रख देंगे आधा घंटे के लिए। 30 मिनट बाद हमने गुलाब जामुन को प्याली में निकाल लिया है। गुलाब जामुन बनकर के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा गुलाब जामुन बना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।